हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने इंग्लिश में वन चैप्टर कर लिया है बुक का। सो सेकंड चैप्टर का हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका था। चैप्टर हमने आधा इसमें कर लिया था। सेकंड पार्ट आज हम इस चैप्टर का देखेंगे। सो प्रीवियसली जो आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, चैप्टर पढ़ रहे थे सिल्क वाला, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो सिल्क की दुकान होती है एक रफीक नाम के व्यक्ति की, जो साड़ी वगैरह ये सब बेचता है। और ये देखिए, हमने फ़ोटो में उनकी जो दुकान पे एक ज़मीन एक वो आता है जिसे डीलर बोलते हैं, वो आता है इनकी दुकान पर और वहाँ पर उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर देता है ये। तो जो ये होते हैं रफ़ी के, बहुत ज़्यादा उस चीज़ से एक्साइटेड होते हैं। फिर क्या होता है नेक्स्ट, हमारा पार्ट जो था वो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, गोइंग थ्रू सोनरपुरा क्रॉसिंग अ डार्क नैरो गली, अ मैन हरिंग पास्ट कोलाइडेड विथ रफीक्स फादर आ अहसान अली सलाम। सो एक जो रफ़ीक होते हैं वहाँ से निकलते हैं और वहाँ उन्हें बोलते हैं कि एहसान अली रुकिए, सलाम सलाम, कैसे हैं आप, ऐसे करके उन रफीक को बताते हैं। फिर क्या होता है, द मैन वाइप्ड राउंड, तो वो एकदम से पलटते हैं यस, एंड देन हिज आइज नैरोड मिलीशियसली। मिलीशियसली मतलब होता है, हम नीचे देखते हैं, विद अ बैड इंटेंशन, मतलब एक गलत तरीके से या फिर एक जेलियस भाव से उसे देखते हैं रफीक को। ओ इट्स यू हियर टू यू गॉट अ बिग ऑर्डर एट द सत्ती, तो वो कहते हैं कि तुम्हें तो बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया है डीलर ने, व्यापारी ने, बहुत बड़ा उसने तुम्हें बहुत बड़ा एक दिया है। जो ये जो देते हैं ना ऑर्डर, वो होता है नवाब और जो दिल्ली के सुल्तान नवाब होते हैं और इंग्लिश वुमेन मैन होते हैं, उनको ये व्यापारी खरीद कर उन्हें देने वाला होता है, तो उसको एक बड़ा ऑर्डर चाहिए रहता है, तो वो इन्हें रफीक नाम के व्यक्ति को मिलता है। यस विथ अल्लाह ब्लेसिंग, वो बोलते हैं जो इन्हें इंसान टकराता है, वो कहता है कि तुम्हें तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है एक जेलियस वाली भावना से, तो वो कहते हैं रफीक के हाँ ये भगवान की अल्लाह की मेहरबानी है। व्हाट डिड यू डू, द मैन गेव अ क्रूक्ड स्माइल, स्टॉल समबडीज डिज़ाइन और ट्रिक द सेट एंड सोल्ड हिम सम ओल्ड वंस, तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं बना के और ये सब सोल्ड करूँगा। अरे एहसान अली, व्हाई आर यू सो बिटर, नेक्स्ट ईयर इट विल बी योर टर्न, तो वो कहते हैं कि तुम्हें तो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है और मैं अभी ये सब करूँगा, तो फिर वो जो रफीक होता है वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, अब तो तुम्हें नेक्स्ट ईयर में तुम्हें मिलेगा, तुम चिंता मत करो। आ एक्सक्लेम्ड एहसान अली एंड वॉक्ड अवे क्विकली, तो वो कहते हैं कि हाँ वो देखते हैं, तो वो एहसान अली वहाँ से निकल जाता है। फिर क्या होता है कि रफीक अंकल लाफ, रफीक के अंकल जो होते हैं ये लाफ करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। द सेम एहसान अली, आई हियर दैट लास्ट ईयर ही वॉज लेट मीटिंग द सेठी जीज ऑर्डर, सो दिस ईयर द सेठ डिड नॉट लुक एट द डिज़ाइन, वो हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि एहसान अली को तो पहले इस सेठ जी ने ऑर्डर दिया था पर इस समय उनकी डिज़ाइन उन्होंने देखने नहीं आया और उन्हें वापस से नहीं मिला, तो इस वजह से हो सकता है वो जल रहा हो। नेक्स्ट मॉर्निंग ट्विस्ट्स ऑफ सिल्क थ्रेड्स इट मेनी गॉर्जियस कलर्स एंड पिल्ड इन द टू लार्ज वीविंग रूम्स, द फोर लूम्स देयर हैड बीन क्लीन एंड ऑयल, द सिल्क थ्रेड्स वर लेट आउट इन लॉन्ग लेंथ टू मेक द वाप एंड फिटेड इन द लूम्स टू बी वोवन इन टू द सिल्क साड़ीज, द शटल्ड वर क्लीन एंड द सिल्क यान पुट इन टू दैम, तो जो भी होता है वो जो सारा काम होता है इसको बनाने का, जो उनका ऑर्डर होता है नेक्स्ट मॉर्निंग से, वो सभी वो स्टार्ट कर देते हैं। जो मशीनों का काम होता है, तेल का काम होता है, देख रहे हैं इस फोटो में, इस तरीके से वो सारा काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। द टू बॉयज़ हु वर स्टिल लर्निंग द क्राफ्ट हेल्प्ड देम आउट ऑफ वन, द असिस्टेंट वीवर्स वर लेट अगेन, तो जो असिस्टेंट होता है गुलाम नाम का व्यक्ति, वो फिर से लेट हो जाता है। नेक्स्ट है जो गुलाम अली रहता है, जो यहाँ पर काम करने के लिए आता है, वो लुकिंग बोर्ड एंड रफी और स्कॉल्डेड हिम, ही वॉज अ टॉल, तो वो कहते हैं उसे थोड़ा स्कॉल्ड करते हैं।
और ही वॉज अ टॉल देन मैन एंड वोर अ चेक्ड लुंगी कुर्ता एंड कैप। तो वो क्या होता है, देखिए आपने देख रहा हो ये जो रफ़ी की इसने कैप पहन रखी है, लुंगा और कुर्ता पहन रखा है, तो ये होता है गुलाम अली जो वहाँ पर काम करने के लिए आता है। ही च्यूड पान, पान खा रहा होता है, वो चबा रहा होता है पान, च्यूड मतलब चबाना। स्पत इन टू द कॉर्नर ऑफ कोर्ट यार्ड एंड सेट आई एम गुड एट माई वर्क, डज इट मैटर इफ़ आई एम लिटिल लेटर। तो कहता है कि हम अगर थोड़ा सा मैं देर से भी आया हूँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं तो मेरा काम बहुत अच्छे से जानता हूँ। द बॉयज़ रियली डिसलाइक द मैन, ये जो दोनों लड़के होते हैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते हैं। ही वॉज लेजी एंड रूड बट दे नीडेड हिम टू कम्प्लीट द सेट्स ऑर्डर, और वो बहुत ज़्यादा रूड होता है और बेकार सा होता है, पर उन्हें क्या करना, उन्हें तो अपना ऑर्डर कम्प्लीट करवाना है। गुलाम वॉज वेरी गुड एट वीविंग द सारीज मोतीस एंड द लिटिल पैटर्न इन गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड। तो जो ये काम करवाने के लिए आते हैं वो बहुत, गुलाम अली जो होता है वो इन सब काम में बहुत अच्छा होता है। एज फरीदट्स क्लीनिंग सम शटल्स गुलाम लुक्ड अप फ्रॉम हिज लूम एंड सेड हियर्ड योर फादर गॉट अ बिग ऑर्डर। तो यही सब बातें होती है और बताते हैं कि उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। विच डिज़ाइन अवर सिलेक्टेड द फ्लावर एंड वाइन बुलबट्टी एंड जमदनी विद द मैंगो मोतीफ एंड द तेंचोय। तो वो सब इसके बारे में बात करते थे, कौन कौन से सिलेक्ट जो डिज़ाइन है वो हमें करनी है या बनानी है। सो हम हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं एक बार। मेलिशियसली मतलब होता है विद अ बिग इंटेंशन, बैड इंटेंशन, बेकार इंटेंशन में। बिलबट्टी होता है एन एलोबरेट मोटिव डिज़ाइन विद फाइन्स एंड वाइन्स और फ्लावर्स की डिज़ाइन बनती है। जमदानी मतलब होता है, और टेंचोय मतलब होता है स्पेशल वीविंग टेक्निक, इस टेक्निक से बनाने को ये नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है द बुलबट्टी एंड द जमदानी, फनी आई डिडेंट थिंक दे वर ऑल दैट गुड, कुडंट द सेट विद फाइंड बेटर डिज़ाइन। तो वो बोलता है कि भैया ये जो है दो, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, क्या पता क्यों उन्होंने इसे सिलेक्ट किया होगा। फरीद लुक्ड अप एंग्रीली, और वो कहते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में देखता है, इफ़ यू थिंक द डिज़ाइन आर सो बैड वाई डोंट यू क्रिएट सम योर सेल्फ। तो कहते हैं कि तुम इतनी, अगर इतनी गंदी लग रही है तो तुम क्यों नहीं बना देते इन्हें। गुलाम मूव द शटल विद अ क्लैक एंड चेक द पैटर्न ऑन द पेलो एंड ही वॉज वीविंग एंड सेट डोंट वरी भैया आई विल डू डैट टू एंड योर फादर विल गिव अप डिज़ाइनिंग वेन आई डू। वो कहते हैं कि मैं इससे अच्छा बना के भी बता दूंगा और आपके पापा भी मुझे डिज़ाइन करने देंगे। जो ये गुलाम अली होता है जो काम करने आता है वो वहाँ के लोगों को बोलता है। दे वर्क लेट इन टू द नाइट एंड वर अप अर्ली मॉर नेक्स्ट मॉर्निंग। फरीद वॉज क्लीनिंग द वीविंग रूम वेन रफीक कैरिड इन ग्लास ऑफ हॉट मिल्क, गुलाम इज़ लेट अगेन। तो जो फरीद होता है वो फिर से सुबह रात को देर तक काम करता है और सुबह जल्दी उठ जाता है। फिर जो गुलाम अली होता है गुलाम, वो फिर से लेट आता है और पापा को बोलता है कि पापा गुलाम इज़ लेट अगेन अबू, आई थिंक वी हैव टू गेट अनदर व्यूअर। तो वो बोलते हैं कि हमें लगता है फिर से कोई सा लेना पड़ेगा। तो गुलाम इज़ टू ट्रबलसम, गुलाम जो है बहुत बेकार है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इससे हमें। ही आर्ग्यूज ऑल द टाइम एंड ही हार्डली डिड नॉट एनी वर्क यस्टरडे, और उसने कल कोई काम नहीं किया। रफ़ी अंकल वॉज लुकिंग अराउंड एंड आस्क वेयर द पैटर्न शीट रफीक। तो वो कहते हैं कि जो पैटर्न शीट है वो कहाँ चली गई। इट वॉज ऑन द टेबल, वो तो टेबल पर रखी थी। इट वॉज ऑन द टेबल नेक्स्ट ऑन योर लूम। रफीक्स फादर लुक्ड अप एंड फेसिंग क्रीजिंग विथ वरी, माई पैटर्न इज नॉट हियर आइदर। देयर वॉज अ हश इन द रूम एज दे रियलाइज दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। तो कहीं पर भी वो उनकी जो पैटर्न होता है, जो सारी चीज़ें होती है, वो नहीं मिलती है, और जो गुलाम है जो यहाँ पर काम करता था वो भी आज नहीं आया हुआ है। तो वो समझ जाते हैं कि हो सकता है कि सारी चीज़ें उसने चुराई होगी। सो ये जो स्टोरी थी हमारी यहाँ पर फिनिश्ड होती है। होप आपको समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।